बिहार में सियासी यात्राओं के दौर में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी शुरू की अपनी यात्रा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने रविवार को नवादा जिला के कौवा कोल से की अपनी गरीब संपर्क यात्रा की शुरुआत। जीतन राम मांझी इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर बरसे। मांझी ने शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग की, साथ ही साथ अधिकारियों को भी भ्रष्ट बताया। वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास तो कर रहा है, लेकिन गरीबों को जितना हक और अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। बिहार के गवर्नर हुए चेंज, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने नए राज्यपाल, फागू चौहान भेजे गए मेघालय। लालू यादव के वापस आने से बिहार में हुई हलचल तेज, महागठबंधन में जेडीयू आरजेडी और अन्य पार्टियों के बीच खींचतान जारी। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा से पहले मुजफ्फरपुर में मिले 3 टाइम बम, जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम, दहलाने की थी साजिश। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा से 2 दिन पहले टाइम बम मिलने से मची सनसनी। 14 फरवरी को समाधान यात्रा पर मुजफ्फरपुर आने वाले थे सीएम। गोपालगंज जिले के हथुआ के आरजेडी विधायक राजेश कुमार को मिली जान से मारने की धमकी। आरोपी ने आरजेडी विधायक राजेश कुमार को कहा कि उसके गिरफ्तार साथी को छुड़वा दे, नहीं तो गोली मार देंगे। भागलपुर के नवगछिया में टेम्पू चालक अंकुश कुमार की पीट पीट कर दी गई हत्या, हत्या से लोगों में विरोध किया सड़क जाम। घटना शनिवार देर रात की है। पुलिस ने रविवार को गौशाला के पीछे खेत से खून से लथपथ शव को किया बरामद। बिहार के अरवल जिले में तिलक समारोह में भोज खाने से हुए 100 लोग बीमार, मामला मेहदी थाना इलाके के बेलसर गांव का है। तिलक समारोह में भोज खाने के बाद हुए फूड प्वाइजनिंग के बाद मेडिकल की टीम भी गांव में कर रही कैंप, पीड़ित लोगों का कर रही इलाज। बिहार के कटिहार में रफ्तार की कहर ने ली 3 लोगों की जान, अनियंत्रित ट्रक ने स्कॉर्पियो में मारी टक्कर, गाड़ी के उड़े परखच्चे।